अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपने सीओ को बता दिया, मैं जाऊंगा साथ में, कोई इशू नहीं है उसमें। आप समझाओगे ना, मैं चलूंगा। बोल दिया आप सामने, मैं अभी टीएल में थोड़ा डांट दूंगा। मैं सर रेगुलरली शॉप पे जाना ही पड़ता है, वजह से आपके काम से कहीं नहीं गई। सर मैं अभी टीएल में डांट के दोबारा बोल दूंगा। बिल्कुल समझ में आता है कि क्या बढ़िया मामला है। अभी काम के निर्देश दे रहे कि 15 के बाद चालू हो जाए। जी मैं आज खुद चिंतित है, उसका भी वो क्षेत्र है ना, जनपद क्षेत्र। मतलब वो खुद चिंतित है, उसका भी वो क्षेत्र है ना। अभी क्या जो ऐसा विषय था कि जो खुद आपको आना पड़ा स्वयं को यहाँ? देखिए, मैं हर दिन गांव क्षेत्र के भ्रमण पे रहता हूँ। पीएचई विभाग के द्वारा जो नई टंकियाँ बनाई गई हैं, लेकिन गांव की सीमेंट कंक्रीट की सारी सड़कें उखाड़ दी। 15-17 दिन पहले कलेक्टर साहब ने इसी कलेक्ट्रेट में बैठक ली थी पीएचई विभाग की, उस पर समीक्षा बैठक में मैं प्रतिनिधि के रूप में मनोज राजानी और हमारे जनपद अध्यक्ष सारे लोग आए। उसमें यह तय हुआ कि अधिकारी जो लिस्ट हम दे रहे हैं गाँव की, यहाँ दुर्दशा है, कीचड़ हो गया, भयानक कीचड़ हो गया वहाँ गाँव में, खोद दी गई, वो जाके दौरा करके रिपेयर कराएंगे। दौरे पे कोई मेरे जनपद जनप्रतिनिधि को लेके जाएंगे, मेरे जनपद अध्यक्ष को कोई खबर नहीं है कि दौरा हुआ नहीं हुआ। क्षेत्र विशेष की बात है क्या है ये? देखिए, मैं तो अपने सोनगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव की बात करूंगा, जहां का मैं प्रतिनिधि हूँ पूरे देवास जिले का। लेकिन मैं भ्रमण तो अधिकतर देवास में अपने सोनगंज का ही करता हूँ। नर्क की स्थिति पीएचई विभाग के द्वारा उसके जो ठेकेदार हैं, नर्क शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गाँव की बड़ी बड़ी सड़कें हैं सीमेंट कॉन्क्रीट की, कैसे हम लोगों ने भरवाई होगी, पूरी खुदी पड़ी और वर्षा काल में, ये कब से बोलता आ रहा हूँ कलेक्टर और सारे लोगों को, नर्क है। फिर अब इनका कहना है कि हम 15 अक्टूबर के बाद रिपेयर चालू कर देंगे। मैंने चलिए इतने दिन निकल गए, नर्क तो हो गया, 15 अक्टूबर से देख लेता हूँ मैं होती कि नहीं चालू। ये जो मान लो 2 करोड़ की एक टंकी बनी गाँव में, उसका 20% राशि सड़क रिपेयर के लिए रखते हैं, जिसमें पाइपलाइन डलती है ना। 2 करोड़ की टंकी में 40 लाख रुपए रिपेयर का रहता है, एक फूटी फूटी खर्च नहीं, ये पैसा कहाँ गया भगवान जाने। तो 15 अक्टूबर के बाद मैं खुद फिर इस बात को देखूंगा, फिर आपको यदि नहीं हुए तो कलेक्टर ऑफिस में दूंगा। दूसरी बात, जो लोग गाँव में मरे हैं, एक शासन की योजना है कि 4 लाख रुपए परिवार को देंगे, या एक और घटना उसमें 2 लाख देते हैं। देवास जिले में हजारों केस पेंडिंग हो गए हैं, उन मृत्युओं पे हजारों केस पेंडिंग है, उनको पैसा नहीं मिला, लाइन लगा के वो मृतक परिवार कभी कलेक्टर के चक्कर लगा था, कभी एसडीएम कार्यालय को भी दे सके। इतनी बुरी दशा है कि झूठ बोल के जो नरेंद्र मोदी साहब और शिवराज ने लोगों की स्थिति करी है, हजारों केस पेंडिंग है, 4 लाख और 2 लाख मिलना चाहिए मृत्यु के बाद, उन्हें आज तक पैसे नहीं मिला। भैया, आपका कहने का मतलब है पीएचई विभाग में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, हम चाहते हैं काम हो, काम क्यों नहीं हुआ? समीक्षा बैठक को 16 दिन हो गए, 1 इंच गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ी, इसके क्या मतलब है इसका? इतने पैसे, मैं तो कलेक्टर बोल दिया कि जब तक ये रिपेयर नहीं हो, हैंड ओवर नहीं करेगा पीएचई से, कोई उसको हैंड ओवर नहीं करेगा।
15 तारीख बाद क्या स्टेप अब आप 15 तारीख बाद में फिर आपको यह दिखूंगा कलेक्टर ऑफिस में, उस दिन हम बताएंगे, उस दिन सारी चीज़ों को फिर मेरा काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो सड़कें हम लोगों के द्वारा स्वयं कमेट की बनाई गई थी, 15 वित्त की हो, विधायक निधि हो, उन सड़कों को पूर्ववत कर दिया जाए। ये जाने कितने वर्षों के बाद इन गाँव में दशा बदली थी, उन गाँव को आपने एक सदी पीछे फिर पहुंचा दिया शासन की नीतियों ने। भैया ये संसद विधानसभा में कितने गाँव का हमला है जहाँ पे टंकिया वगैरह? 50 गाँव है जहाँ की टंकियों का निर्माण हो रहा है। हम लोगों ने लिस्ट बनवाई थी, निर्माण हो गया, कई गाँव में निर्माण हुए, कई महीने हो गए, लेकिन वो सड़कें खुली पड़ी हैं, लोग कैसे निकलते हैं, साइकिल ले जाने का रास्ता नहीं है, पैदल चलने में दिक्कत आती है। मतलब मैं नर्क शब्द कह रहा हूँ, मैं आपको दो गांव देता हूँ सोनकच के, दौलतपुर और जामुदी जामली, आप जाके देख लीजिए, आप खुद बोलेंगे सज्जन वर्मन दौलतपुर जामुदी है। ठीक है कांग्रेस के आपके पास आए थे, पीएचई की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ उन्होंने सवाल उठाए, क्या आपसे चर्चा की, शिकायत की और अब क्या निराकरण होगा सर? हम माननीय विधायक जी सोनकच यहाँ पर आए थे, उनके विशेष इश्यूज़ ये थे कि जो हमारे पीएचई में नल जल योजना के अंतर्गत काम जो पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ पर कहीं कहीं पर सड़क के रिस्टोरेशन के इश्यूज़ हैं, जहाँ पर बारिश में कीचड़ हो जाता है। हालाँकि लगातार काम चल रहा है, बट कुछ गाँव में यकीनन ऐसे इश्यूज़ हमने स्वयं भी पाए हैं, जहाँ पर सड़क खुल गई थी लेकिन रिस्टोरेशन बारिश से पहले नहीं आ पाया, क्योंकि वर्षा काल में ये काम बंद पड़े हुए थे। अभी सभी को पिछली मीटिंग में ताकीद कर दिया गया है कि रिस्टोरेशन के काम जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, और दोबारा से आज टीएल मीटिंग में भी इस बात की समीक्षा की जाएगी कि वो काम हुए कि नहीं हुए, और प्रयास करेंगे कि जहाँ पर गाँव में हमारी सड़कें खुदी हैं वहाँ पर टेस्टिंग करने के बाद तत्काल रिस्टोरेशन किया जाए। सर समीक्षा बैठक के बाद भी अगर कहीं लेट लतीफियाँ होती है तो जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी? यकीनन जो हमारे जिम्मेदार ठेकेदार हैं उनके खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी प्रस्ताव यहाँ से भिजवाए जा रहे हैं, और जो हमारे खुद के इंजीनियर हैं यदि उनके द्वारा कुछ इस प्रकार की लेट लतीफी होती है तो अवश्य उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।